चलिए आज देखते हैं प्रश्नावली 3.5। इसका सबसे पहले हम पांचवा सवाल पेज 70 देख लीजिए। जिनके पास किताब नहीं है उनके पास बैठ जाओ, जिनके पास किताब है। बैठ जाओ यहाँ आके बैठ जाओ, पीछे बैठोगे यहाँ इधर आके जब बैठो आके पहने तुम्हारे पास। चलो देखो किताब। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम तो आयत का क्षेत्रफल होता कितना है? आयत में लंबाई होती है एक चौड़ाई, जैसे ये बोर्ड है लंबाई, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो मान लेते हैं कि माना आयत की लंबाई कितनी है, लंबाई एच मीटर और चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। पहले तो आयत का क्षेत्रफल निकालो, कम ज्यादा तो बाद में होता है। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब कम होता है? जब उसकी लंबाई 5 कम हो जाए और चौड़ाई 3 बढ़ जाए। यानी पहले क्षेत्रफल था जो भी था वो निकला उस आधार पे जो भी उसकी लंबाई चौड़ाई वही हमें ज्ञात करनी है। तो लंबाई x मान ली, चौड़ाई y। आयत का क्षेत्रफल होता क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई x थी, चौड़ाई y थी, दोनों को हमने गुणा कर दिया, ये हमारा आयत का क्षेत्रफल निकल के आ। अब पहली शर्त में वो कह रहा है कि यदि उसकी लंबाई में हम परिवर्तन कर दें, कितनी कर दें लंबाई, लंबाई 5 इकाई कम कर दें, यदि लंबाई 5 इकाई कम तथा 3 इकाई बढ़ा दी जाए, लंबाई कम कर देते हैं और चौड़ाई बढ़ा देते हैं, तो नई लंबाई कितनी हो जाएगी? जितनी भी थी उसमें 5 का ही कम कर दी गई और चौड़ाई जितनी भी थी उसने उसमें बढ़ा दी। ये बढ़ाने घटाने के बाद नया क्षेत्रफल कितना आएगा? भाई नया क्षेत्रफल तो उतना ही आएगा ना जो सूत्र से निकल जाएगा। लंबाई इस बार हो गई x माइनस 5 गुणा चौड़ाई हो गई ठीक है। और प्रतिबंध क्या था कि जो नया क्षेत्रफल आएगा वो पुराने वाले से कितना कम हो जाएगा? नया क्षेत्रफल जो आएगा आपके पास वो पहले वाले क्षेत्रफल से, सवाल में कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी आयत का जो पहले क्षेत्रफल निकाला था हमने उससे कितना कम होता है? पहले तो हमने x गुणा y निकाला और अब कितना आया क्षेत्रफल? अब इसे हल x की गुणा पहले y से प्लस माइनस नहीं माइनस प्लस प्लस 3 की गुणा x की गुणा 3 है।
अब माइनस पाँच की दोनों से प्लस माइनस माइनस पाँच वाई माइनस पाँच किया सबको एक तरफ लिया तो एक्स वाई प्लस तीन एक्स माइनस पाँच वाई माइनस पंद्रह माइनस एक्स वाई प्लस नौ बराबर जीरो एक्स वाई से एक्स वाई कट गया कितना आ गया तीन एक्स माइनस पाँच वाई पंद्रह में नौ मिला कितना बचा छः माइनस का बराबर समीकरण नंबर आगे द्वितीय शर्त पर क्या है द्वितीय शर्त देखते यदि हम लंबाई को तीन इकाई और चौड़ाई को दो इकाई बढ़ा दें लंबाई को इस बार कितना कर दिया तीन द्वितीय शर्त में नई लंबाई कितनी हो जाएगी पहली वाले लंबाई में तीन बढ़ा दो अब नई चौड़ाई कितनी हो जाएगी वाई प्लस तीन कर दो नहीं वाई प्लस दो चौड़ाई को दो बढ़ा दो सवाल देख रहे हो हाँ सवाल यहाँ सवाल यहाँ सवाल यहाँ से देखो यदि लंबाई को पांच बढ़ा दें लंबाई को तीन बढ़ा दें और चौड़ाई को दो बढ़ा दें तो क्षेत्रफल सड़सठ वर्ग इकाई बढ़ जाता है तो नया क्षेत्रफल जो आता है वो पुराने वाले क्षेत्रफल के लिए यानी जो पुराना आया था क्षेत्रफल दस बजे स्टार्टिंग में उससे कितना बढ़ जाता है अब क्षेत्रफल कितना आएगा इन दोनों को गुणा करके आएगा इसका लंबाई चौड़ाई एक्स प्लस तीन गुणा और आया इसका क्षेत्रफल एक्स वाई प्लस गुणा करिए एक्स की गुणा वाई से एक्स वाई प्लस अब तीन की करो प्लस छः बराबर सबको एक तरफ ले जाओ दो एक्स प्लस तीन वाई और सड़सठ में छह घटाओगे इकसठ क्योंकि सड़सठ माइनस का है बड़ा है माइनस बराबर ये समीकरण नंबर ऊपर नीचे देख लो इसके नीचे समीकरण एक तीन माइनस पांच वाई माइनस छह बराबर कौन सी विधि लगाते हैं हर बार क्या लगता है बजरंग विधि से बजरंग में क्या करते हैं पहले एक्स बटे लिखते हैं एक्स बटे लिखेंगे एक्स को सुपर ठीक है और तिरछी गुणा करो तीन छह अठारह प्लस माइनस उसके बाद माइनस आता ही आता अब ऐसे हो गया इसकी गुणा से पहले निशान में कर लो माइनस माइनस प्लस तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं अब पांच की गुणा करो पांच ही कम पांच और पांच ही का कोई दिक्कत अब इसे छुपाओ बताओ क्या लिखूं यहाँ पर माइनस के बारह माइनस के बारह माइनस प्लस माइनस और तिरछी गुणा करोगे ना तीन तीन गुणा एक माइनस तीन करोगे प्लस माइनस माइनस एक माइनस पहले से है प्लस दो तीन तीन कम तीन और छह दिया एक बटे लिखे इसको छुपाओ ठीक है बताओ क्या लिखूं माइनस के पांच में दस माइनस तीन दिया अरे कोई दिक्कत नहीं इसको छुपाएंगे कैसे गुणा करेंगे ऊपर से नीचे गुणा माइनस नीचे से ऊपर केवल अंकों की होती है कभी एक्स और वाई के लिए साथ अंकों की होती है तीन पंजे दस माइनस का माइनस तीन दिया सबको समझ आ गई ये बात एक्स बटे आठ पांच तेरह एक और दो
तो एक बार ऐसे ऐसे बराबर ले लेते हैं, एक बार एक बार ऐसे बराबर ले लेते हैं। तो x बटे माइनस का 323 बराबर माइनस माइनस कट जाए और यहाँ भी माइनस माइनस कट गया, तो x का मान कितना आ
और वाई गलत। अब इसमें उसने स्थिति लगा दी, बैठा भी शर्त है, दो स्थिति कह दो। प्रथम शर्त में उसके आए 40 नंबर, कब आए? जब सही प्रश्न पर उसे 3 नंबर मिले और गलत प्रश्न पर 1 नंबर कट गया। सही प्रश्न पर कितने नंबर मिल रहे हैं? 3। और गलत पे कितने कट रहे हैं? 1। सही कितने किए उसने? x। तो कितने नंबर आए उसके? गलत कितने किए? y। और एक नंबर एक गलत से कट रहा है, कितने नंबर कटे भाई? कितने आए कितने कट गए? तो भी कितने नंबर आ गए उसके? 40। तो क्या उसने उसके 40 नंबर आए। अगर उसने सही प्रश्न हल करने पर उसे 3 नंबर दिए गए और गलत प्रश्न करने पर उसका 1 नंबर काट दिया, तो सबसे पहला काम तो हमने यही किया कि भाई सही प्रश्न x थे और गलत प्रश्न y थे जो उसने हल किए। तो सही प्रश्नों में x प्रश्न उसने हल किए, x का मतलब 5, 6, 7 कंफ्यूजन थे, तो एक क्वेश्चन के 3 नंबर है, तो x क्वेश्चन के कितने नंबर हो जाएंगे? 3। हमारा मित्र चलता पेपर में 5 क्वेश्चन आए, मान लो एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और तुमने 5 क्वेश्चन हल कर दिए, कितने नंबर आएंगे? एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 5 प्रश्न परीक्षा में आए, कितने नंबर आएंगे? 10 आएंगे। गुणा करके तो निकल रहा है, प्रश्नों की संख्या से गुणा कर रहे हो एक प्रश्न के अंक। क्लियर हो गई बात? ये आ गया समीकरण नंबर 1। इसको थोड़ा और संभाल के लीजिए क्योंकि हम तो बचपन में ही लगाएंगे। तृतीय शर्त द्वारा दूसरी शर्त में क्या हुआ भाई? कह रहा है कि उसे सही उत्तर पर मिले 4 नंबर और गलत पे कटे 2। और सही कितने प्रश्न हल किए थे उसने? कितने नंबर मिले होंगे? 4। गलत कितने हल किए थे? y। तो उसे नंबर कितने कटे होंगे? 2 गुणा y। कितने आए कितने कट गए? कितने आए उसके नंबर? उसके बाद ही कितने नंबर आ गए? 50 नंबर। इसे लिख लो, मैं 2 से भाग कर दें जैसे हम बात करते हैं, सबको दिखना 2 से कट रहा है, प्रत्येक पद को 2 से भाग कर देते हैं। ये हम कर सकते हैं, समीकरण बन जाए 2x - y - 25 = 0। अब मैं इसे किसी भी विधि से हल कर सकता हूँ, ठीक है? उसने कह दिया कि जो तुम्हें अच्छी लगे विधि उस विधि से ऐसे हल। तो भाई यहाँ भी देख रहा हूँ y का गुणांक माइनस है और यहाँ y का गुणांक माइनस है, लेकिन माइनस का एक एक है दोनों में, यानी गुणांक समान है। कौन सी विधि लगा दे? लगा दे। पहले समीकरण लिख लो, अब इसको 1 मान लो, इसकी जरूरत नहीं, इसे 2 मान लो। विलोपन लगानी है तो सबको एक तरफ लाने की जरूरत है, क्यों? पहले समीकरण थी हमारे पास 3x - y = 40, दूसरी कितनी थी? 2x - y = 25। अब देखो दोनों का निशान समान है, अगर दोनों का निशान अलग अलग होते तो ये कट जाता, और जब निशान अलग अलग करने होते निशान बदल दो। निशान बदलने के लिए क्या करते घटाते, और घटाने की स्थिति में क्या होता है? नीचे वाले समीकरण के निशान तो घटाने पर केवल आपको इतनी करना, इसका निशान प्लस से माइनस हो गया, माइनस से प्लस हो गया, इसका प्लस से माइनस, ये कट देगा। 3 में से 2 घटाओ, 1x = 40 - 25 घटाओ, x = 50, और कुल मिला के कितने थे? या छोड़ो यही नहीं है, x का मान उठा के समीकरण 1 में रखो, x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, x का y निकल के आ जाएगा समीकरण 1 में। तो 3 × 15 - y = 40, 15 दिया फाइनल मालूम है, बराबर के जोड़ ले जाओ, प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला तो y का मान निकालना है, तो y को ले जाओ इधर, माइनस इधर जाकर कैसा हो जाएगा? प्लस y, और ये प्लस 40 था, इधर आगे कैसा हो जाएगा? ये तो अपनी जगह से है,
तो अंगद के पांव की तरह आपने कहा है फिक्स है केवल ये जा रहा है यार, तो ये जा रहा है, तो आ रहा है, तो भाई को अकेला कर 45 में चल मिलो 5 बना, यानी कुल मिला के आपने निकाल दिया और वाई बराबर तो एक्स का मान कितना आया, वाई का मान कितना आया, इसका मतलब उसने सही प्रश्न कितने हल किए और गलत कितने हल किए, ठीक है। अतः यश ने वहां अगर यहाँ देखें सीधे एक्स का मान यहाँ रख दिया और वाई का मान यहाँ से 5 लेकर आया, रखने के बाद इसका मतलब अब इसका स्टेटमेंट कहाँ लिखी, यहाँ लिख रहा हूँ बॉक्स में, और तुम भी ऐसा मत करियो बॉक्स में लिख दो, ठीक है। आप लोगों को नीचे से सवाल लगा करते हुए लिखा ना, नीचे लिखना, एक दो बच्चों ने क्या करा था जैसे ही बोर्ड पे लिखा है वैसे ही बॉक्स बना के, जबकि ये पूरी जगह है वहीं उन्हें एडिट कर बना लिया, ये कंटिन्यूशन में चल रहा है, यहाँ तो कोई जगह नहीं है इसलिए हम थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। अतः तो बच्चे का यश ने 15 प्रश्न सही किए, सही किए तथा 5 प्रश्न गलत, ऐसे होता है कंपटीशन, यहाँ तो तुम गलत करते हो तो बस कट जाता है नंबर नहीं कटते, कंपटीशन जब देते हैं बच्चे तो सही के तो मिलते ही मिलते हैं, गलत करोगे तो कट जाते हैं।